नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र में स्वर्गीय विमल कुमार चौड़िया के स्मृति में निःशुल्क रूप से नेत्र शिविर का आयोजन रखा गया। नेत्र शिविर में दूर दराज से अधिक संख्या में लोगों ने आकर अपनी आंखों का परीक्षण करवाया। सबसे ज्यादा मरीजों को डॉक्टरों की टीम द्वारा देखा गया और जो मरीज मोतियाबिंद से ग्रस्त हैं उन्हें गोमाबाई हॉस्पिटल निःशुल्क रूप से मरीजों को भेजा जाएगा, जहां पर इलाज सहित आने वाले जाने की सुविधा निःशुल्क रूप से देते हुए ये पुनीत कार्य किया जा रहा है। ये कैंप प्रतिवर्ष मेरे दादाजी स्वर्गीय विमल कुमार जी चौड़िया की स्मृति में करा रहा हूँ। ये 2019 से प्रयास चालू है मेरा, ये चौथा वर्ष है हमारा। और प्रतिवर्ष हम चाहते हैं कि जो अपने क्षेत्र के जो वंचित तबका है या जो जरूरतमंद है उनको अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले अपने क्षेत्र में, उसके लिए इस वर्ष हमने गोमाबाई चिकित्सालय नीमच के सहयोग से और जिला अंधत्व निवारण समिति मंदसौर के सहयोग से यह कैंप का आयोजन करा है। हरिद्वार में SDM अजय वीर सिंह के नेतृत्व में खनन विभाग की टीम ने श्यामपुर क्षेत्र में 7 भंडारण, 3 स्क्रीनिंग प्लांट और क्रेशर पर अवैध खनन में कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए में से भी अधिक का अर्थदंड लगाया है। SDM अजय वीर सिंह के नेतृत्व में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन पर प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। SDM अजय वीर सिंह ने बताया कि 2 दिन पूर्व भी खनन विभाग की संयुक्त टीम के साथ भोगपुर क्षेत्र में कार्रवाई की गई थी, जिसमें 1 स्क्रीनिंग प्लांट और 2 क्रसर पर कार्रवाई की गई थी। वहीं SDM का कहना था कि अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि अवैध खनन और अवैध भंडारण पर इस तरह की लगातार कार्रवाई की जा रही है साथ ही की जाएगी। कार्रवाई के दौरान खनन विभाग से मनीष, विवेक, सुस्मिता और संबंधित कानूनगो लेखपाल मौके पर उपस्थित रहे। पौड़ी जिले के सतपुली में आयोजित 6 दिवसीय नायर घाटी महोत्सव के 5वें दिन आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत, जिला सहकारी समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत कुट्टी, जिला पंचायत सदस्य कोटा सीमा सजवान की भी मौजूदगी रही। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व पार्षद सतपुली थामेश्वर प्रसाद कुकरेती द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक जगदम्बा प्रसाद डंगवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का होना आवश्यक बताया है। कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजनों से आने वाली युवा पीढ़ी भी अपनी परंपराओं से रूबरू होती है। इस मौके पर उन्होंने अपने कार्यालय की उपलब्धियां भी गिनवाई। लोक गायक गजेंद्र राणा और मंगलेश डंगवाल की टीमों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान दोनों ही गायकों के गानों पर दर्शक जमकर झूमते हुए नजर आए। विकासखंड गैरसन के दूरस्थ गांव पंजान मल्ला में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में क्षेत्रीय जनता ने 27 समस्याएं दर्ज की, जिनमें से 20 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर में विभागीय स्टॉलों के माध्यम से तमाम प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही क्षेत्रवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। स्वास्थ्य शिविर और विभागीय स्टॉलों पर 485 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। शिविर में 1 दिव्यांग प्रमाण पत्र, 3 UID, 7 आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। देखिए, आज यहाँ पंजियाणा में हमने एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन करवाया गया था, जिसमें सभी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। और ये हमने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के
अंतर्गत ये कार्य बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पे आयोजन कराया था, जिसमें हमने जो भी गांव वाले हैं आसपास के उनकी समस्याओं को भी सुना। तो इसमें लगभग 27 समस्याएं एप्लीकेशन के माध्यम से हमने सुनी और लगभग 20 समस्या का हमने मौके पर ही निस्तारण कर दिया था, और बाकी समस्याएं जो थोड़ी लॉन्ग टर्म वाली थी तो वो संबंधित विभाग को हमने निर्देशित करा है। हरिद्वार के रोशनाबाद में स्थित न्यू संत थॉमस विद्यालय में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस वार्षिक उत्सव को अमर तनरंगनी गंगा 2023 का नाम दिया गया। सर्वप्रथम विद्यालय की छात्राओं द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि SP सिटी स्वतंत्र कुमार और कार्यक्रम के अध्यक्ष राहुल पाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने वीटा गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल के इस वार्षिक उत्सव को अमर तनरंगनी गंगा थीम के तहत बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जल सभी के जीवन के साथ साथ सभी के लिए जरूरी होता है। जल है तो कल है, इसलिए आज हम अपने वार्षिक उत्सव कार्यक्रम द्वारा स्कूल के छात्र छात्राओं सहित परिजनों को जागरूक किया जा रहा है। हम जल का दुरुपयोग नहीं करेंगे और गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए हमें आसपास के स्थानों को भी स्वच्छ रखना होगा, तभी पर्यावरण और जल को बचाया जा सकता है। जो मेरा कार्यक्रम है, ये हमारे स्कूल का वार्षिक उत्सव है, एनुअल फंक्शन है, जिसके अंदर हमने थीम ले रखा है। थीम जो लिया है अमर तरंगनी गंगा, उसके पीछे कारण यह है, एक वो आता है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी। तो हम इसको दोनों तरीके से लेके चल सकते हैं कि हम एक धार्मिक दृष्टि सांस्कृतिक दृष्टि से भी ले सकते हैं। पानी बहुत एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, बहुत आवश्यक है। कोई भी काम बिना पानी के नहीं हो सकता है, जीवन ही उसी से है। ऋषिकेश की फुटकर सब्जी मंडी में संदिग्ध परिस्थितियों में करीब एक दर्जन दुकानों में आग लग गई। आग लगने से सभी दुकानें जलकर राख हो गई। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह है कि आग पक्की दुकानों तक नहीं पहुंच सकी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। आधी रात की इस घटना से दुकानदारों में सनसनी मच गई। आम जो हमारे छोटे सब्जी वाले फल वाले हैं, उनकी 12 दुकानें रात जल के आग हो गई और हादसा हुआ है और चल भी गया हादसा यहीं तक, क्योंकि बाजार ये है तो चारों ओर बाजार ही बाजार है और क्या बात है, जब भी उसकी बहुत बड़ा रूप है। अब इसमें सरकार के पास जाई जाएगी माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से। 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में यूपी सरकार ने काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। बाराबंकी के डाइट प्रशिक्षण केंद्र पर चल रही काउंसलिंग के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब गैर जनपद के कुछ अभ्यर्थी यहां काउंसलिंग कराने पहुंचे। स्थानीय अभ्यर्थियों का आरोप है कि गैर जनपद से आए लोग मल्टीपल आवेदन की श्रेणी के हैं, जिनके कारण काउंसलिंग प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। स्थानीय अभ्यर्थी अर्पित श्रीवास्तव का कहना है कि इस संबंध में उनके द्वारा पूर्व में भी शासन को अवगत करा दिया गया है। कासगंज में शहर की ब्यूटी पार्लर संचालिका ने जिले का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि मेकअप आर्टिस्ट रितु मिश्रा ने जिले का नाम रोशन किया है, जहां रितु मिश्रा ने 191 महिलाओं का मेकअप कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। रितु मिश्रा ने अपने टीम के साथ मिलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। रितु ने एक दिन में 24 घंटे लगाकर मेकअप करके रिकॉर्ड बनाया है। जिलाधिकारी राधा वर्मा ने मेकअप आर्टिस्ट रितु मिश्रा को सम्मानित किया है। जिलाधिकारी ने कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड की रितु को बधाई दी है। कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकर मेकअप आर्टिस्ट रितु मिश्रा काफी खुश दिखी। यह आज आपको कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है, किस तरीके से यह आपने हासिल किया है? एक्चुअली मेरा मन था कि मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं और अपनी फील्ड से रिलेटेड बनाऊं, तो मैंने सर्च किया सबसे पहले कि कोई रिकॉर्ड ऐसा बना तो नहीं है, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं निकला। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 24 आवर्स लगातार मेकअप करेंगे, तो मैं और मेरी टीम 24 घंटे लगातार मेकअप करती रही और हम लोग नॉन स्टॉप काम करते रहे और हमने 191 मेकअप किए और ये एक नया रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश के एटा जनपद की कोतवाली अवागागढ़ क्षेत्र स्थित ग्राम कंटालिया से एक हैरतगंज मामला
उजागर हुआ है, जहां दिल्ली की रहने वाली एक लड़की ने फेसबुक के माध्यम से कंटालिया ग्राम के युवक आकाश शर्मा की फेसबुक आईडी देखकर उसे प्यार कर लिया। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ रील भी बनाकर फेसबुक पर अपलोड की, पर दोनों के प्यार का अंत इतना दर्दनाक और हैरत अंगेज होगा ये शायद उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, जब लड़की के घर वालों ने इसके बारे में पता किया तब खुलासा हुआ कि फेसबुक पर जो आकाश शर्मा उनका जमाई बना था वो वास्तव में आकाश जाटव था। शादी के 15 दिन के अंदर ही कुछ ऐसा घटा जिससे मामले को की जानकारी होने के बाद लोगों के होश उड़ गए। पता चला कि जिस युवती ने फेसबुक पर प्यार के बाद युवक से शादी की थी उसके पति और ससुराल वालों ने युवती की शादी के मात्र 15 दिन बाद हत्या कर दी और परिवार सहित फरार हो गए। मृतका दिल्ली की रहने वाली बताई जा रही है। आरोपी युवक ने फेसबुक पर फर्जी आईडी से अपना नाम सरनेम बदलकर युवती को फंसाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। घटना के बारे में जलेश्वर क्षेत्र के सीईओ कृष्ण मुरारी ने बताया कि थाना अवागढ़ क्षेत्र के कंटालिया गांव का मामला है, जहां सूचना मिली थी कि एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में उसके ससुराल वालों द्वारा हत्या कर दी गई है। वहीं उसके शव को जलाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। रायबरेली में दबंगों ने महिला को जमीनी मामले को लेकर बेरहमी से पीटा और बद्दी बद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बताते चले कि पूरा मामला रायबरेली जनपद के जगतपुरा थाना क्षेत्र के पूरे आलम चिचौलिया का है, जहां की रहने वाली विनीता ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उसी के गांव निवासी रामेश्वर अंकित ने मेरे निजी भूमि को जबरन दबंगई के बल पर कब्जा कर निर्माण करवा रहे हैं। जब रोका तो गंदी गंदी गालियां देते हुए लाठी डंडों से मारपीट की और कहा कि ये जमीन मेरी है, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। जगतपुरा थाने में न्याय न मिलने से महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। सवाल उठता है कि संबंधित थाने पर पीड़िता की शिकायत करने पर भी समस्या का निवारण नहीं किया गया, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद होते हैं और वो बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। रायबरेली में बच्चों को डांस के माध्यम से पढ़ाने वाले शिक्षक का एक और वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो बहुत खास है। वायरल वीडियो में शिक्षक मेरे घर राम आए हैं की धुन पर बच्चों को ऐसा मोहक डांस करा रहे हैं जिसे देखने के बाद लोग मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। उचाहार ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भवानी दिनापुर मुरारमोक में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात कौशलेश मिश्र ने इससे पूर्व भी बच्चों को संगीत और नृत्य के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा देने से लेकर शिक्षा दी थी, जिसको लेकर चर्चा रही है। ताज़ा वीडियो के बारे में कौशलेश ने बताया कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये गीत देश भर में बच्चों को जुबान पर है। स्कूल में भी कुछ बच्चे इस गीत को गुनगुना रहे थे। उनके मन में ये इस नृत्य के माध्यम से और मोहक मनाने का विचार आया, इसी को लेकर उन्होंने आगामी 30 दिसंबर को विंटर वेकेशन से पहले इसे परफॉर्म करने का मन बनाया। आगामी 30 दिसंबर को परफॉर्मेंस करने से पूर्व उन्होंने इसकी रिहर्सल करानी शुरू की। इस गाने में मेरे घर राम आए हैं, ये गाने पे हमने बच्चों को सिखाया है और सिखाने के साथ साथ हमने राम जी के चलचित्रण के बारे में भी बताया है और समाज को भी ये संदेश हम देना चाहते हैं कि सभी धर्म संभाव के लोग मिलकर राम जी का स्वागत करें और इस देश की संस्कृति संस्कार को बनाए रखें। जिस प्रकार बच्चों कोई जाति धर्म नहीं होते हैं, उसी प्रकार आपका भी कोई जाति धर्म के बिना राम जी का स्वागत करिए। पति ने अपनी प्रेमिका के साथ योजना बनाकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने कुछ घंटे में हत्या का खुलासा कर हत्यारोपी पति और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। थाना सरसावा पर 29 दिसंबर 2023 को वादी भोपाल पुत्र दुलीचंद निवासी ग्राम सड़करी सेख थाना देहात कोतवाली की लिखित तहरीर की वादी की पुत्री श्रीमती आशु उम्र 32 वर्ष की मृतिका के पति अमित कुमार पुत्र स्वर्गीय नरेश सिंह निवासी शेखपुरा
थाना सरसावां द्वारा अपनी प्रेमिका के साथ प्लान बनाकर दोनों के अवैध रिश्तों में बाधक बनने वाली खुद की पत्नी मृतक आशु की हत्या कर देने के संबंध में दाखिल की। तहरीर के आधार पर थाना सरसावां पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना धर्मेंद्र कुमार थानाध्यक्ष थाना सरसावां द्वारा ग्रहण करके अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में एवं क्षेत्र अधिकारी नकुड़ के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार थाना सरसावां द्वारा मैमहारी फोर्स अभियुक्त अमित कुमार पुत्र स्वर्गीय नरेश सिंह निवासी शेखपुरा थाना सरसावां को गदरहेडी के आगे शेखपुरा वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। कासगंज जिले के थाना अमापुर में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। अमापुर थाना क्षेत्र के बनपुरा गांव के एक युवक पुलिस के पास शादी करने की फरियाद लेकर पहुंचा। युवक की गुहार सुन पुलिस भी हैरान रह गई। अमापुर थाने में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बनपुरा गांव के युवक नीरज यादव पुत्र ओम प्रकाश ने प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि उसकी शादी कराए जाने की उसने गुहार लगाई है। उसका कहना है कि परिजन और रिश्तेदार उसकी शादी नहीं करा रहे हैं, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान हो रहा है। उसने प्रार्थना पत्र देते हुए मुख्यमंत्री तक संदेश पहुंचाने की अपील भी की है। युवक की बात सुनकर पुलिसकर्मी भी एक बार सोचने को मजबूर हो गए। पुलिस ने परिजनों को बुलाकर उसकी शादी कराने की बात कही। परिजनों ने युवक को मानसिक रूप से बीमार बताया है। नाम है नीरज। क्या समस्या है आपकी? क्या करने चाहते हैं? रोटी की दुखी है। चलो, क्या प्रार्थना पत्र दिया है आपने? हाँ, प्रार्थना पत्र दिया है। पत्र दिया है मैंने। कहाँ पे दिया है? अमापुर थाने में ना, ब्लॉक में। थाने में भी दिया है? और थाने में दिया है मैंने। रायबरेली के सदर तहसील में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक एनडीआरएफ की टीम में साजो सामान के साथ पहुंच गई। टीम ने यहां पहुंचकर तुरंत ही मोर्चा भी संभाल लिया। एनडीआरएफ के कुछ जवान छतों पर चढ़ गए तो कुछ इधर उधर फैल गए। यहां मौजूद लोगों को जब बताया गया कि आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल चल रही है, तब उन लोगों ने राहत की सांस ली। भूकंप, बाढ़ या अन्य किसी दैवीय आपदा के समय कैसे लोगों की जान बचाई जाए और किस तरह कम से कम माली नुकसान हो सके, उसके लिए एनडीआरएफ को महारत हासिल है। एसडीएम प्रशासन पूजा मिश्रा की अगुवाई में इसी एनडीआरएफ ने यहां तहसील परिसर में मॉक ड्रिल के जरिए अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए लोगों को ऐसे मौके पर कैसे खुद को बचाया जाए, इसकी भी शिक्षा प्रदान की। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वाले इंडिया।